ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, मेडिकल स्टोरों से भैंसों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन जब्त किए जाएं। चीफ जस्टिस ने नाजे की रिपोर्ट पर हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के डब्बा बंद दूध की लेबोरेटरी रिपोर्ट 15 दिन में तलब कर ली। कराची में पानी के मसले पर जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम वाटर कमीशन के सरबरा मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस इकबाल कलहोर ने दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की थी। कराची में चीनी बाशिंदों का एटीएम ग्रोह सरगर्म। बहादुराबाद में बैंक के बाहर मशकूक हरकतें करने वाला एक चीनी गिरफ्तार, 3 फरार। पकड़े गए मुलजिम से 6.5 लाख रुपए और स्कैमिंग डिवाइस बरामद। कराची में एक और जवान जान से गया। वालिदैन के इकलौते बेटे को किसने कत्ल किया, मामला उलझ गया। वकील और जज के बेटों ने गोलियों से छलनी किया मकतूल के वालिद का इल्जाम। डीआईजी कहते हैं गाड़ी ना रोकने पर पुलिस की फायरिंग से हलाकत हुई, फायरिंग करने वाले चारों अहलकार गिरफ्तार। वजीर आजम बना तो अमरीकी सदर से मुलाकात करूंगा, ट्रंप से मुलाकात कड़वी गोली लेकिन निगलना पड़ेगी। तालिबान को शिकस्त में अपनी नाकामी पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का खबर साइदारे एपी को इंटरव्यू। लाखों मदरसों को कौमी धारे में लाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कमर अज़मान कायरा कहते हैं बरवक्त कार्रवाई की जाती तो सानिया कसूर ना होता। आईजी अपने इदारे पर गौर करें, नवाज शरीफ निज़ाम नहीं चलने जाते। आसिफ अली सरदारी 17 जनवरी को एहतजाज में शिरकत करेंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। घोटकी के इलाके मीरपुर माथिरों से 8 साल का बच्चा लापता हो गया। अब्दुलरहमान घर के काम से बाहर गया, वापस ना आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। ट्वेंटी फोर न्यूज बाखबर 24 घंटे।